तो गुड मॉर्निंग टू कड़ी। तो सीधा ही आ गए हम लोग कड़ी पे। कड़ी पे क्यों आए, तो मतलब आज रात स्टार्ट होने वाले, आधे नींद में है, आधे जग चुके हैं। तो अभी पूरी नींद उठ जाएगी जब राइड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो अपना पूरा ग्रुप कड़ी वाला, आज अहमदाबाद से ग्रुप नहीं, आज कड़ी वाला ग्रुप है। तो ये पूरा लाइनअप और बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही क्रेजी राइड होने वाली है। तो काम करते अभी क्लोज करते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, और मिलते हैं सीधा ही मोटो व्लॉग। तो यार ये रहा हमारा ग्रुप, और मॉर्निंग से शुरुआत हो गई राइड की। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नींद में थोड़ी स्टार्टिंग की, क्योंकि मैं था नींद में और ऑलरेडी लेट हो चुका था। यार सारे लोग खड़े थे, आपने देखे थे, तो ऐसा कुछ सीन था। तो लगभग 9-10 राइडर है आज ग्रुप में, अहमदाबाद का कोई नहीं है, सारे कड़ी के राइडर के साथ में ज्वाइन हुआ हुआ। तो हमारे ग्रुप में आज सुपर बाइक भी है, कावासाकी Z800। तो आवाज थोड़ी थोड़ी आ जाएगी आपको, आज मजा आएगा सुनने में। अपने जो फ्रेंड है वो ये है डोमिनार 400 वाले, इसके थ्रू हम इस राइड में ज्वाइन हुए हैं। तो भाई आज ज़्यादा तो हाइपर राइडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप की लिमिट है कि 90-100 तक चलाएंगे और शांति से जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ भगाने को मिलेगा नहीं, और उतने रोड भी नहीं होंगे कि भगा पाए, क्योंकि रोड उतने ब्रॉड नहीं होंगे, छोटे छोटे रोड होंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो टाइम हो गया मोटो व्लॉग आया यार अपने चैनल पे, थोड़े यार सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, तो कंटिन्यू ज़्यादा मोटो व्लॉग डाले और कुछ लंबी ट्रिप प्लान करें और जाए लंबी ट्रिप पे, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा अपने साथ। अभी अपने को मैप नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोग रोड जानते हैं, तो अभी मैप की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, ज़रूरत ही नहीं है। आई आवाज़ आई, हाँ इसको बोलते हैं 4-सिलेंडर, मजा आ जाता है भाई, नींद उड़ गई पूरी मेरी। तो सीन कुछ ऐसा है कि फटाके पढ़ते पढ़ते जा रहे, दिवाली मनाते मनाते। अभी मुझे आवाज बहुत ही पसंद है, इसलिए भी इसके साथ साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मजा आता है सुनने को। मुझे दो ही चीज सुनने में पसंद है, एक लव सॉन्ग्स और ज्यादातर अरिजीत के गाने, और दूसरा ये इनलाइन 4 की साउंड। तो भाई ये दो चीज मिल जाए ना, दिन बन जाए और पूरा ही मूड आ जाता है इससे। तो ये देखो सारा ग्रुप हमारा इकट्ठा हुआ है, और बहुत सारे रिएक्शन मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ है इनलाइन 4, तो मज़ा आ रहा है भाई। और एक भाई आगे है बुलेट पे, जो वीडियो शूट कर रहा है, सिनेमैटिक ले रहा है, वैसा कुछ सीन है अभी। तो आगे एक और ब्रेक लेंगे चाय पानी के लिए, चाय पिएंगे तो लोगों को ज़्यादा मूड आ जाएगा, अपना तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा कुछ है अभी, और उसके बाद जाएंगे सन टेम्पल देखने। तो सन टेम्पल आज आपको देखने को मिल जाएगा टप्पूस वर्ल्ड में, क्योंकि एक बार गया था मैं, बहुत टाइम हो गया, एक साल ऊपर हो गया, बट तब व्लॉग नहीं किया था क्योंकि हालत बहुत ही खराब थी और धूप में गए थे। तो मैंने सोचा यार व्लॉग करने का मन ही नहीं करता है, उतनी हालत खराब हो चुकी थी, बट आज मूड है, हालत भी अच्छी है, दोनों है, तो व्लॉग चल रहा है अभी। तो ये जो एंट्री जा रही है वो जा रही है डायरेक्टली शंकु वाटर पार्क, और हम लोग खड़े हैं मेहसाणा हाईवे पर, मतलब मेहसाणा जो जाता है वो रोड पर खड़े, और इधर ब्रेकफास्ट का स्टॉप है एक, शंकु का खुद का रेस्टोरेंट है, तो आ सकते हो, अच्छा खासा है, और बहुत सारी मज़ा आ रही है। धूप भूख आ गई और नींद उड़ गई पूरे की पूरी, सबने चाय वाय पी ली, मैंने नहीं पी अभी तक, क्योंकि मुझे अभी भूख भी नहीं लगी थी और कुछ इच्छा भी नहीं थी। तो ये रहे सारे लोग हमारे, ये रहा ग्रुप, और ये रहा पूरा लाइनअप हमारा। अभी हमारे साथ एक और ब्लॉगर ज्वाइन हो गए, क्या नाम है? नचिकेत द ब्लॉगर। नचिकेत द ब्लॉगर, सब्सक्राइब कर देना, 1K सब्सक्राइबर है। हाँ। अपने तो अभी 1K नहीं, 1K हो गए। तो ये भी ट्रिप भी मारते हैं, ब्लॉग भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगी, आप सपोर्ट करोगे तो हो जाएगी। तो ये भी हमारी जैसे ही ट्रिप मारते हैं और अच्छे खासे एडिटिंग भी करते हैं, तो चलो सब्सक्राइब कर देना, देखना। तीसरे ब्लॉगर कैसे हो? नए ब्लॉगर, ये मोबाइल वाले ब्लॉगर है, रील वाले, रीलर, और बहुत सारे भाई, मजा आ रहा है। धूप धूप निकल गई अच्छा खासी, गर्मी हो जाएगी अभी, तो पसीना भी निकल गया, जल्दी पहुंचना पड़ेगा अभी, बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर, ये मेरे जैसे है, गर्मी तुरंत हो जाती है भाई। पसीना देखो, अभी धूप निकली है, फिर तड़का होगा, गर्मी होगी, लतपत कहाँ कहाँ से निकलेगा नहीं। तो भाई यहाँ शोर मचाओ, थोड़ा शोर मचाओ, हमारे शोर नहीं मचाते, उनकी बाइक मचाती है, ये शोर मचाते, हमारे इकलौते राइडर है, पाजी अपने शोर मचाते लेकिन अकेले में। रिएक्शन आज बहुत सारे मिले, रोड पे मजा ही आ गया। तो भाई ये रहा SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट, और खतरनाक चलो अभी शोर मच गया, मजा आ गया देख के, और चलो अभी फटाफट से जाते हैं। तो गाइस फाइनली टाइम हुआ है 8 AM, सुबह के 8 बज के, और धूप अच्छी है, अच्छी खासी, ज़्यादा पब्लिक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, मतलब दोपहर के बाद आते हैं जब धूप कम हो जाती है। और ये रहा अपना बाइक का लाइनअप, तो शांति से फिर दिखाऊंगा।
अभी जा रहे हैं अंदर की ओर, तो इधर देखेंगे फिर क्या है क्या नहीं। और पसीना हो चुका अच्छा खासा। और ये देखो हमारा ग्रुप, नए नए लोग, सारे नए लोग है भाई, मैंने बोला कड़ी वाला ग्रुप है तो सारे नए है। तो इधर है रेस्ट्रो कैफे यूलोजिया, तो आप कुछ खा सकते हो इधर और पी भी सकते हो। मैं जब बहुत टाइम पहले इधर आया था तब खाया पिया था, अच्छा था, तो नाश्ते का आपको बता दिया। और इधर है टिकट्स, तो टिकट की प्राइस है 25 रुपीस, और विदेशी के लिए है 300 रुपीस। ओहो, तो विदेशी के लिए 300, फॉरेनर्स के लिए बहुत सारी टिकट रखी यार, थोड़ी कम रखो, 150 तक चल जाता, 300 क्या चीज है। तो 25 रुपीस पर पर्सन चार्ज है, उस टाइम आया था तब भी इतनी थी। और ये देखो एंट्री करते, इधर गार्डन है और इधर भी गार्डन है, मतलब पिकनिक के लिए जो लोग आते हैं और इधर प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं और खा पी सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। यस, फैमिली के लिए पूरा स्पॉट है, जगह बहुत ही बढ़िया है, कूल वाली जगह है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाई ये देखो पसीने वाला रुमाल हो गया पूरा गीला 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 यार, सूखता ही नहीं अभी। तो अभी आगे अंदर की और मंदिर की अंदर की साइड, तो सबसे पहले एंट्री होती है, तो दोनों साइड गार्डन मैंने दिखा दिया, उसके बाद आता है ये वाला चीज। तो ये इसको बोलते हैं कुंड, पानी का कुंड होता है ये, पानी बहुत ही गंदा है। और कुंड में है ना सब लोग मन्नत मांगते हैं और वो सब डालते हैं, सिक्के विक्के वो सब होता है, तो ज्यादातर कुंड में यही होता है और गंदगी इसी वजह से होती है भाई। और इधर देखो चारों ओर छोटे 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 मंदिर बनाए हुए हैं अलग 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 अलग, नीचे जा नहीं सकते, नहीं तो जाते हम लोग। पहले क्या थी, ये जो रेलिंग थी ना चारों ओर, वो बाउंड्री थी ही नहीं, खुला ही था, तो लोग है ना अंदर तक जा रहे थे और रिस्क भी बढ़ रहा था, तो उसी वजह से ये रेलिंग लगा दी, बाउंड्री लगा दी, ताकि कोई क्रॉस ना कर पाए। फिर भी कई लोग कूद के जाते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और ये रहा वो टेम्पल है, तो अभी अंदर की ओर भी जाएंगे धीरे धीरे और देखेंगे 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 क्या है चीज़। ये ना प्रॉपर पिकनिक स्पॉट है, मतलब खा सकते हो, पी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो आगे पास मंदिर के हम, और अंदर अंधेरा है तो कुछ दिखेगा ही नहीं यार, है भाई अंदर लाइटें वाइटें लगाओ। तो इधर है ना सनलाइट ही आती है, नेचुरल लाइट, तो ज्यादा कुछ लाइटिंग है नहीं, पूरा सीधा किरण आता है, सीधा अंदर ही जाता है। हाँ, इधर से आता है और इधर तक अंदर जाता है, ऐसा है। तो फिर जनवरी के अंदर पूरा दरवाजा खुलता है और उसके अंदर ही सीधा ऊपर के ऊपर डायमंड था ना, तो ऐसा कुछ है, और उस पे ही पूरा अंदर जो लाइट वगैरह उस पे होती है, तभी पूरा दिखता होगा, नहीं उजाला होता होगा पूरा अच्छे से। तो ये देखो ऐसा कुछ है अंदर, पूरा सन्नाटा। ओके, तो अभी कुछ है नहीं अंदर, ऐसा क्यों भाई, पूरा खाली। ओ, पूरा खाली है, तो चारों ओर भी ऐसा कुछ है। ये देखो रास्ता रास्ता, हम भूल गए रास्ता, तेरी आंखें भूल भुलैया, मैं तो भूल भुलैया, ये भूल भुलैया जैसा है कुछ रूट, और आ रहा है मजा। और ये देखो ऊपर वाली डिजाइन, वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। भाई हमको भी सिखाओ गुजराती में ब्लॉग करने का, ब्लॉग कर नहीं, हम तो हिंदी सीख रहे हैं। ओ चमगादड़ ऊपर है, मुझे दिखे ही नहीं, ऊपर है। हाँ ये ऊपर उल्टा चिपका है चमगादड़, बहुत टाइम बाद देखे भाई, जैसे हमारे ऊपर गिर ना जाए यार, बाल बाल लेके चला जाएगा। तो भाई इधर हिस्ट्री लिखी हुई है सूर्य मंदिर की, तो ये तीनों लैंग्वेज में लिखी हुई है, इंग्लिश हिंदी और गुजराती, तो हिंदी में दिखा देता हूँ, ज्यादातर लोगों को समझ में आएगा। ये देखो पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग। तो सूर्य मंदिर के बारे में एक लाइन बता देता हूँ, आपका जो कोणार्क का मेन वाला सूर्य मंदिर है बड़ा वाला, तो उससे इंस्पायर्ड ये हुआ है, तो वो बड़ा वाला ये छोटा वाला ऐसा बोल सकते हो। और एक फनी सा इंसिडेंट भी आपको बताता हूँ, वो वीडियो भी अटैच कर लूँगा आप देख लेना। एक दादा आए थे, मतलब साधु टाइप थे, तो वो इतनी फनी बातें कर रहे थे और इतने एग्रेसिव हो चुके थे, तो वो आप देख लेना वीडियो के एंड में, थोड़ा क्लिप लगा दूंगा। अभी भी देखो इधर एंजॉय कर रहे हैं वो सब, सारे लोग बैठे और दादा बोल रहे हैं, तो वो लास्ट में अटैच कर दूंगा, देख लेना, मिस मत करना, वीडियो के बाद लास्ट में आएगा, तो देख लेना। फरी फरी दादा फरी एक बार, दादी मुझ राख दो, राख दो, राख दो, शिवम सुंदरम। दादा बोल रहे हैं दाढ़ी मूंछ के बिना नहीं चलेगा, दाढ़ी मूंछ रखना ही रखना है। ये बाइक को भी ले लिया। तो एक और चीज दिखी, ये तीनों के साइड में ये रह गया था देखने का, तो बताओ भाई ये क्या है, कि अंधे जो होते हैं ना, हाँ ब्लाइंड होते हैं, वो ऐसे टच करके महसूस करके वो पढ़ हाँ, सकते हैं, वो वैसे लैंग्वेज और अल्फाबेट में लिखा हुआ है हाँ, तो अच्छे से पढ़ लैंग्वेज हाँ, में लिखा हुआ है, उनके भी एक अलग से लैंग्वेज, अलग से लैंग्वेज होती है जो उन लोगों को सिखाई जाती है स्पेशली, उनकी अलग से स्कूल होती है, उनको यहाँ से लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो थैंक यू भाई, ये चीज दिखी नहीं थी मुझे, गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज है, पीपल के लिए है, तो ये अच्छी चीज है, सारे जगह पे रखना चाहिए ये। हमने ले लिया एक ब्रेक नाश्ते के लिए,
तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो? हाय, डोसा मंगाया भाई ने, साउथ इंडियन लवर। यस, और गोटे मंगाए थे, समोसे और अपनी कचोरी। वाह भाई, आपको ठंडा ही खाना है, कुछ गर्म नहीं खाना है? भाई ठंडे में लगे हुए काले काले। और ये अपनी कचोरी। तो नाश्ते के लिए ब्रेक ले लिया और सारे लाइनअप इधर पब्लिक रिएक्शन के साथ। चलो अभी खाते पीते और फिर निकलते हैं घर के लिए। હું રાત્રિ રોજ નર્મદા જિલ્લો રહું છું, અહીં તપોવનનો મિત્ર છું અને ભાગી જવાનો હતો બાપુએ મને કીધું શંકરની સેવા કરો, એટલે સેવા કરું છું, મેં કહું પગાર નહીં લો। અરે અરે, મને કઈ જેમ તે બોલી કે તું ભાગી ના ગઈ, મેં કીધું છકડકા કરી નાખ્યા, પૂજાની હેરાનના પેટનો છે, સારો મરી જાવ બેટર છે, ખોટું બોલવું નહીં, ખોટું ચાલે નહીં, તમે બોલો તમને છું, તમને માટે નહીં મારી વાત કરું, તમે તો બોલવું છે, તમે બોલો તો બોલો, અમે કાંઈ મનમાં નહીં એનું, પણ મારા ઉપર નહીં, બે કટકાની છ કટકા કર ખેંચો, ન થાય તો મારું માથું વાટી લેવો। હું રાજપીપળા નર્મદા જિલ્લા રહું છું, ખૂબ જ નર્મદા જિલ્લામાં રામાનંદ આશ્રમ ગવા પર આવજો, ત્યાં બાપુ એમ છે ને ત્યાં ભગવાન જ છે, તમને એમ થાય એમ તો થાય, એક ફોટો પડે છે દાઢી મૂછ લઈને આવીશું બેસવામાં જોડે। હા બેસી લઈ લઉં।